नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का, APS यूनिवर्सिटी रीवा का जो एडमिट कार्ड है वो हम किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें apsu.mponline.gov.in पर विज़िट करना होगा, या सर्च बार में टाइप कर सकते हैं या सिंपली लिख सकते हैं APSU ऑनलाइन, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का। सर्विसेज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें ऑप्शन मिलेगा आवर सर्विसेज का। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको ऑप्शन मिल रहा है आवर सर्विसेज का, और आवर सर्विसेज में आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, इसमें बाकी भी ऑप्शंस हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड APS एडमिट कार्ड, APS एडमिट कार्ड रेगुलर प्राइवेट डिस्टेंस कोर्सेस। इस ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड रेगुलर प्राइवेट डिस्टेंस एज पर नोटिफिकेशन, तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑप्शन में। इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये नया पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का, डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का। और उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। पहला रहेगा इनरोलमेंट नंबर, तो जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपको आएगा सेशन, तो सेशन में आप देख सकते हैं दिसंबर 2021, यानी किस सेशन के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जून 2021 है या सेप्टेम्बर है। तो ज़्यादातर आपका दिसंबर 2021 का रहेगा, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपको सेमेस्टर कोड का ऑप्शन आएगा, सेमेस्टर कोड में जो भी आपका सेमेस्टर है ये देख सकते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5th, सेमेस्टर 7th, तो जो भी आपका सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आएगा ब्रांच मोड, ब्रांच मोड में आपका जो कैटेगरी है यानी रेगुलर स्टूडेंट हैं, प्राइवेट हैं, ये देखिए सेलेक्ट करना है रेगुलर ATKT X, प्राइवेट डिस्टेंस रेगुलर डिस्टेंस X, सप्लीमेंट्री, तो इसमें जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेगा इंटर कैप्चा का, ठीक है। तो इंटर कैप्चा वाले ऑप्शन में आप जो कैप्चा दिया है, जो आपको साइड में लिखा हुआ है, उसी तरह से आपको जो लेटर्स हैं वो इंटर करने, ध्यान रखिएगा कैपिटल का कैपिटल में, स्मॉल का स्मॉल में लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद सभी जानकारी को चेक कर लीजिए एक बार, और उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी, आपका नाम रहेगा, फ़ोटो रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है उसकी डिटेल रहेगी, साथ में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का, तो प्रिंट करके आप उसको सेव भी कर सकते हैं या इस तरह से प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का। तो बस इतनी ही जानकारी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।